हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको एक पूरा तरह से अलग सा एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा ईएसटी ऑन प्रॉब्लम का ऊपर। तो दोस्तों, ये वीडियो इस तरह वीडियो यूट्यूब पर अभी तक कोई नहीं बनाया। तो दोस्तों, इसीलिए वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। न्यू टेक्नीशियन और पुराना टेक्नीशियन कुछ भी हो सकता है, आपका अलग सा नॉलेज मिल जाएगा। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। देखूँगा कि पहले मैं वीडियो बनाया कि ये जो पीसीबी है, ये पीसीबी के ऊपर दो वीडियो मैं बनाया। फर्स्ट वीडियो में आपको बताया कि पीसीबी का बहुत कुछ फॉल्ट है, और फर्स्ट ये पीसीबी का जो वीडियो बना कर देखा है कि ईएसटी सप्लाई थोड़ा सा लो था, कैसे सही तरीका से ये वोल्टेज एडजस्ट किया जाता है वो आपको देखा है वीडियो में। और नेक्स्ट जो वीडियो में आपको दिखाया कि इसका जो ड्राइवर सप्लाई, ठीक है, ये ड्राइवर सप्लाई स्टैंड बाई कंडीशन पर 6 वोल्ट मिलता है, और स्टैंड बाई ऑन होने के बाद ये वोल्टेज पूरा ग्राइप हो जाता है, और इसका जो सप्लाई रेजिस्टेंस ये ओवरहीट हो जाता है। तो ये इसका मेन प्रॉब्लम था। तो आपको वो वीडियो में जो देखाया कि ये रेजिस्टेंस ओवरहीट होने का जो रीज़न होता है, और ये वोल्टेज ड्रॉप होने का जो रीज़न होता है, बहुत कुछ हो सकता है। ये ट्रांजिस्टर भी हो सकता है और आईसी भी हो सकता है। तो तब भी आपको कुछ रेजिस्टेंस चेंज करके मैं ये पॉइंट पर सप्लाई लेके आपको दिखाया, तब भी सप्लाई आने का बाद भी इसका ईएसटी ऑन नहीं हो रहा है। तो यही मैं वो वीडियो में दिखाया, और आपको बताया कि आप कमेंट करते रहिए कि ये प्रॉब्लम और कौन सेक्शन से हो सकता है, और कौन पार्ट्स भी प्रॉब्लम हो सकता है। और वो वीडियो में जो आपको बताया कि ये ट्रांजिस्टर ओके है, जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर ये ओके है, ड्राइवर कॉयल भी ओके है, और ये आईसी भी ओके है, क्योंकि ये जो आईसी का जो सिग्नल पिन, जो एच आउट सिग्नल, ये पॉइंट पर आता है और आने का बाद मैं एलईडी लगा के टेस्ट करके भी दिखाया, ऑन ऑफ करके भी दिखाया, स्टैंड बाई ऑन ऑफ करके, कि सिग्नल यहाँ पर आता है, लेकिन तब भी ये ईएसटी ऑन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, अच्छा, क्योंकि मेरा पास ये आईसी नहीं था, और जिसका पास ये पीसीबी था, जो टेक्नीशियन मेरा पास ये पीसीबी को भेजा है, वो बताया कि आईसी चेंज किया है, लेकिन मैं जब अच्छा करके चेक करके देखा है कि ये आईसी ही फॉल्ट है। तो चलिए, मेरा पास ये आईसी नहीं है, तब भी आपको कुछ अलग तरीका से टेस्ट करके दिखाऊंगा कि ये आईसी फॉल्ट 100% है, और क्यों फॉल्ट है ये आपको दिखाता हूँ। तो चलिए, फर्स्ट ये प्रॉब्लम आपको दिखाऊंगा। और देखिए, जो दोस्त न्यू ये वीडियो देख रहे हो, तो इसी के लिए आपको मैं कुछ वोल्टेज आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। और दोस्तों, जो दोस्त ये वीडियो पहले बार ये देख रहे हो, तो ज़रूर ये वीडियो का पहले जो मैं वीडियो बना के रखा, और ये वोल्टेज ड्रॉप होने का जो रीजन आपको दिखाया वो अलग तरीक़े से आपको दिखाया, वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं लिंक दे देगा, ठीक है। तो दोस्तों, चलिए और मैं एक बार सप्लाई देख के दिखाता हूँ। देखिए, मैं सप्लाई दे दिया, ठीक है, और इसका ये मेन पावर इंडिकेटर है, ये ऑन हो गया है, आप देख सकते हो। और इसी टाइम इसका ईएसटी सप्लाई वोल्ट एक बार देख लीजिए। ईएसटी सप्लाई वोल्ट अभी देखिए 40 वोल्ट, ठीक है, 40 वोल्ट है। और इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर पर वोल्टेज ये देखिए 40 वोल्ट है। और दोस्तों, इसका ड्राइवर सप्लाई वोल्ट देखिए, ड्राइवर सप्लाई वोल्ट 6.5 वोल्ट है, और इसका आउटपुट पिन पर भी वोल्टेज 6.5 वोल्ट है। जब मैं स्टैंड बाई से रिलीज़ करूँगा तो ये वोल्टेज पूरा गायब हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो ड्राइवर सप्लाई वोल्टेज, ये चॉपर का 2 नंबर पिन से आउटपुट होता है, और यहाँ पर जो डायोड है, देखिए यहाँ पर वोल्टेज 6.5 वोल्ट है। तो चलिए, मैं स्टैंड बाई से ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, चलिए रिमोट लेके मैं इसका स्टैंड बाई ऑन कर देता हूँ। देखिए, मैं स्टैंड बाई ऑन कर दिया, और इसी टाइम अब देखिए इसका ईएसटी सप्लाई कितना वोल्ट है, 115 वोल्ट, ठीक है, और इसका आउटपुट वोल्टेज देखिए 115 वोल्ट। तो देखिए, इसी टाइम जो ड्राइवर सप्लाई, देखिए रेजिस्टेंस का पहले देखिए 22 वोल्ट, ठीक है, ये वोल्टेज आ गया। और ये जो डायोड है, ये डायोड का पॉइंट पर देखिए, सॉरी, ये पॉइंट पर देखिए 22 वोल्ट ये मौजूद है। और ये रेजिस्टेंस का बाद देखिए, जो ड्राइवर कॉइल पर जो वोल्टेज जाता है ये पॉइंट पर, अब देखिए वोल्टेज गायब हो गया, 0.7 वोल्ट हो गया, ठीक है। और ये पिन से ये मिडिल ट्रांजिस्टर का मिडिल पिन पर जाता है, ये पिन पर वोल्टेज
दिखे पूरा गायब हो गया। तो चलिए मैं स्टॉप कर देता हूँ और इसी टाइम आपको जो देखूंगा, जो वो वीडियो में आपको देखा है, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिए कि ये रेजिस्टेंस बहुत ही ओवरहीट हो जाता है। ठीक है, ओवरहीट हो जाता है और इसी के लिए मैं ये जो सिग्नल लाइन, ये सिग्नल लाइन का अंदर ये रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज करने का बाद आपको देखा है कि यहाँ पर वोल्टेज आ जाता है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ग्राउंड का साथ, ये जो सिग्नल लाइन, ये सिग्नल लाइन का साथ एक रेजिस्टेंस ग्राउंड का साथ कनेक्शन है। ये जो ग्राउंड का साथ रेजिस्टेंस कनेक्शन ये ओपन ही था और ये मैं ओपन ही कर दिया। ठीक है, और यह पर एक रेजिस्टेंस 220 ओम्स का रेजिस्टेंस लगाने के बाद भी वोल्टेज यहाँ पर आ जाता है। तो दोस्तों तो चलिए आपको ये सिग्नल लाइन जो होता है, ये सिग्नल लाइन रेजिस्टेंस को मैं ओपन करूँगा। ठीक है, ओपन करने के बाद आपको एक अलग तरीका दिखाता हूँ। चलिए तो दोस्तों चलिए इसी टाइम आपको एक अलग सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ कि देखिए ये जो डाइवर्ट ट्रांजिस्टर का बेस पिन पर एच आउट सिग्नल पिन प्रोसेसर आईसी से आने के बाद और ये ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन पर सप्लाई मौजूद होने के बाद ये डाइवर्ट कॉइल से, ये डाइवर्ट कॉइल से, डाइवर्ट कॉइल से सप्लाई इसका कलेक्टर पिन पर मौजूद होने के बाद और ये बेस पिन पर सिग्नल आने के बाद तब ESD ऑन होगा। तो दोस्तों आपको देखा है कि वोल्टेज डाउन हो जाता है, तो इसीलिए मैं देखिए ये जो बेस पिन के साथ जो रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये रेजिस्टेंस को ओपन कर दिया क्योंकि ये जो सिग्नल ये ट्रांजिस्टर पर आता है तो ये मैं ओपन करके पूरा ब्रेक कर दिया। ठीक है, और ये ट्रांजिस्टर का बेस पिन पर मैं अलग सा सिग्नल कनेक्शन किया। आप देख सकते हो वायर का थ्रू, अब देखिए ये जो वायर, ये एक चाइना PCB है, आप देखिए। ठीक है, ये एक चाइना PCB है, चाइना PCB का ये डाइवर्ट ट्रांजिस्टर को ओपन कर दिया और ओपन करने के बाद ये ट्रांजिस्टर का जो बेस पिन पर सिग्नल ये प्रोसेसर से आईसी से आता है। ठीक है, ये प्रोसेसर आईसी से जो सिग्नल यहाँ पर आता है, यह से मैं सिग्नल उठा के मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और दोस्तों देखिए उसके बाद ये PCB से अलग सा नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, ये PCB से मैं अलग सा नेगेटिव के साथ मैं वायर कनेक्शन किया। आप देख सकते ये जो वायर, ये मैं ये PCB का नेगेटिव के साथ कनेक्शन कर दिया। ये दोनों ही आपको कनेक्शन करना पड़ेगा, तब देख सकते हो ये दोनों कनेक्शन किया। ठीक है, और दोस्तों देखिए ये PCB में यहाँ पर ही रखा है, ये ट्रांजिस्टर मैं जब ओपन कर दिया तो इसका ESD ऑन नहीं होगा और इसका सप्लाई मैं अलग से दे दिया। आप देख सकते हो वायर, ये जो वायर है, ठीक है, और ये जो लाइन आप देखिए, ये मैं डायरेक्ट लाइन कनेक्शन करके रखा है और ये जो लाइन मैं सीरीज लाइन से कनेक्शन करके रखा है ये PCB का। ठीक है, तो चलिए सप्लाई देख के आपको दिखाऊंगा और वोल्टेज भी आपको चेक करके दिखाऊंगा। फर्स्ट मैं ये वीडियोकॉन चैसिस का सप्लाई मैं दे देता हूँ। ठीक है, ये सप्लाई तो मैं दे दिया और इसी टाइम आप फॉलो कीजिए, आपको वोल्टेज का साथ चेक करके पूरा ही दिखाऊंगा कि देखिए ये ड्राइवर पर कितना वोल्ट है। फर्स्ट जो आपको देखा है 6.4 वोल्ट के आसपास और ESD सप्लाई कितना है, आप देखिए ESD सप्लाई अभी 40 वोल्ट है। ठीक है, तो चलिए मैं स्टैंड बाई ऑन कर देता हूँ रिमोट लेके। ठीक है, स्टैंड बाई देखिए ऑन कर दिया और इसी टाइम आप देखिए ये ड्राइवर पिन पर वोल्टेज अभी 26 वोल्ट हो गया क्योंकि मैं इसका ये बेस का जो सिग्नल लाइन में ओपन कर दिया, जो IC से सिग्नल यहाँ पर आता है ये मैं ओपन कर दिया। ठीक है, और ये पिन पर वोल्टेज अभी देखिए 26 वोल्ट आ गया और इसका ESD सप्लाई आपको दिखाता हूँ। देखिए इसका ESD सप्लाई अभी 114 वोल्ट है और अभी ये 180 वोल्ट लाइन पर वोल्टेज आपको चेक करके दिखाता हूँ कि देखिए ये 180 वोल्ट का लाइन, ये पिन पर वोल्टेज आप देखिए अभी ESD सप्लाई जैसा सेम वोल्ट है क्योंकि ESD ऑन नहीं है। तो चलिए मैं वो PCB से PCB को ऑन करूँगा और ऑन करने के बाद वहाँ से जो एच आउट सिग्नल ये पिन पर आएगा और आने के बाद क्या रिजल्ट आता है आप एक बार देख लीजिए। तो चलिए मैं वो PCB को मैं सप्लाई दे देता हूँ। तो दोस्तों मैं सप्लाई दे दिया और इस टाइम आप देखिए इसका डाइवर्ट सप्लाई वोल्ट ये देखिए 14 वोल्ट हो गया। ठीक है, थोड़ा डाउन हो गया और इसका ESD भी ऑन हो गया और इसका 180 वोल्ट लाइन पर कितना वोल्ट है आप एक बार देख लीजिए, 162 वोल्ट ये आ गया, तो इसका ESD ऑन हो गया। तो दोस्तों चलिए आपको कन्फर्म करने के लिए दिखाता हूँ कि देखिए ये जो ESD है इसका
देखिए आपको फायरिंग भी दिखाऊंगा। देखिए इसका फायरिंग, देखिए इसका ESD ऑन हो गया। तो दोस्तों ये जो एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाया, मैं सप्लाई आपको देता हूँ, तो इसीलिए आपको आइडेंटिफाई करना होगा अगर ये ICS से जो सिग्नल यहाँ पर आता है, ये सिग्नल लाइन का ही फॉल्ट है और मेन प्रोसेसर IC का अंदर ही फॉल्ट है। यहाँ पर सिग्नल जो मिलता है वो रॉन्ग सिग्नल होता है। ये रॉन्ग सिग्नल के बजाय ये वोल्टेज डाउन हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट आपको कैसे लगा है, और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर ना है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। तो दोस्तों चलिए मैं दोबारा आपको एक बार करके दिखाता हूँ, ठीक है, और कन्फर्म करने के लिए। देखिए मैं मेन PCB का सप्लाई दे देता हूँ, और इस टाइम इसका ESD सप्लाई आप देखिए 14 वोल्ट है। तो चलिए मैं स्टैंड बाई से ऑन कर देता हूँ। स्टैंड बाई से ऑन कर दिया, और ESD सप्लाई देख लीजिए 115 वोल्ट है, ठीक है। और इसका आउटपुट 180 वोल्ट लाइन पर वोल्ट, देखिए ये 180 वोल्ट का लाइन है, ठीक है। ये कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ पर वोल्टेज देखिए ESD सप्लाई ऐसा सेम वोल्ट, और डाइवर्ट ट्रांसफार्मर का आउटपुट पॉइंट पर वोल्टेज देखिए 27 वोल्ट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट मैं ये PCB का सप्लाई दे देता हूँ। देखिए मैं ये PCB का सप्लाई दे दिया, और 180 वोल्ट लाइन पर वोल्टेज आप देखिए, ये 180 वोल्ट लाइन का कैपेसिटर का पॉजिटिव पिन है। यहाँ पर वोल्टेज देखिए 162 वोल्ट हो गया, ठीक है। और डाइवर्ट सप्लाई देखिए थोड़ा ये देखिए डाउन हो गया, क्योंकि इसका ऑसिलेशन शुरू हो गया। अब दोबारा देखिए इसका ESD देखिए, आपको फायरिंग करके दिखाता हूँ, देखिए इसका ESD ऑन हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये जो वोल्टेज 180 वोल्ट तब होगा जब ये कॉइल का साथ कनेक्शन करेगा। तो चलिए मैं दोबारा ये चैसिस का सप्लाई में ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि वो जो चाइना PCB का जो एच आउट सिग्नल में ऑफ कर दिया, और इसी टाइम आप देखिए इसका 180 वोल्ट लाइन पर वोल्टेज, ये देखिए ये 180 वोल्ट लाइन पर वोल्टेज अभी देखिए ESD सप्लाई जैसा सेम हो गया। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। और दोस्तों और एक बात, अब देखिए ये जो नेगेटिव कॉर्ड में कनेक्शन किया, ये नेगेटिव कॉर्ड का आपको ओपन करके लाइन देगा तो, ठीक है, ओपन करके लाइन देगा तो कुछ भी सिग्नल आने का ज़रूरत नहीं होगा। सिर्फ ये AC कॉर्ड ये इलेक्ट्रिक लाइन पर कनेक्शन होगा तो तब भी ESD बनेगा, और ESD भी बहुत हाई होगा। तो चलिए प्रैक्टिकली आपको एक बार करके दिखाता हूँ। अब देखिए ये ओपन कर दिया, और इसी टाइम 180 वोल्ट लाइन पर देखिए बहुत हाई ऑसिलेशन का बजाय कितना वोल्ट है आप एक बार देख लीजिए। ये देखिए बहुत हाई वोल्ट हो गया। अब देखिए ये देखिए 200 वोल्ट के ऊपर हो गया। तो चलिए मैं स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। और दोस्तों इस टाइम आप देखिए ये PCB का मैं सप्लाई अभी नहीं देख के रखा है, तब भी इसका क्या रीज़न है कि इतना वोल्ट क्यों आ जाता है, और इसका सिग्नल तो मैं स्टॉप करके ही रखा है। लेकिन दोस्तों ये जग मैं जब ओपन कर देगा तो ये PCB फिर भी स्टैंड बाई मोड पर चला जाता है, मैं प्रैक्टिकली टेस्ट करके देखा है। तो दोस्तों जब ये अलग PCB से टेस्ट करेगा तो ज़रूर नेगेटिव कनेक्शन कर दीजिए ये PCB के साथ, वो जो अलग PCB है, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दिखाया, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अब नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए।